दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी खास वीडियो में। दोस्तों पिछली वीडियो जैसी ही आज मैं आपको बच्चों के कपड़े की वीडियो बना करके लाया हूँ। चार्ट के द्वारा आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। यदि आप बच्चों के कपड़े की नई दुकान खोलने के इच्छुक हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको टोटल इन्वेस्ट बताया है कि यदि आप न्यू बिजनेस करना चाहते हो और बच्चों के कपड़े की दुकान खोलना चाहते हैं जिसमें आपको बॉयज और गर्ल्स दोनों का अलग अलग मैंने आपको इसमें बताया है। बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर बच्चों के कपड़े की दुकान खोलना चाहते हो और उसके बारे में आप हमें बताइए, तो ये वीडियो बच्चों के कपड़े का न्यू बिजनेस करने वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आ चुका हूं अपने चार्ट पर जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। आप देखिए बच्चों में सबसे पहले आपको जानना होगा कि साइज और ईयर्स, किस नंबर का साइज कितने साल के बच्चे को आता है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए 16 नंबर 0 से 6 माह के लिए होता है, 18 नंबर 6 माह से 1 साल के बच्चे को आता है, 20 नंबर 2 साल के बच्चे को आता है, 22 3 से 4, 24 4 से 5, 26 नंबर 5 से 6, 28 नंबर 6 से 7, 30 नंबर 7 से 8, 32 नंबर 9 से 10, 34 नंबर 11 से 12, 36 नंबर 13 से 14 और 38 नंबर 15 से 16 साल के बच्चे को आता है और 40 नंबर 16 से 17 साल, 15 16 17, क्योंकि बच्चे के शरीर के ऊपर भी डिपेंड करता है। और उसके बाद आता है एस साइज। दोस्तों कुछ जगह जैसे कि जींस हुई, जींस में तो 40 नंबर तक मिल जाएगी, मगर शर्ट हुई तो वहाँ पर आपको 38 नंबर तक ही मिल पाएगी, या टी शर्ट हुई आपको 38 नंबर तक ही मिल पाएगी। तो कुछ इस तरह के होता है, कहीं पर 38 तक ही साइज ख़त्म हो जाते हैं और कहीं पर 40 तक भी चलते हैं, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब आपको वैरायटी, फुल वैरायटी क्या क्या चाहिए वो आप देख लीजिए। 0 से 6 माह यानी कि 16 से 30 यानी कि 6 माह से लेकर 8 साल के बच्चे तक का सेट बिकते हैं, जैसे कि कैपरी सेट हुआ, जींस के साथ सेट हुआ, या और भी तरह के सेट्स आते हैं, होजरी टाइप में सेट्स आते हैं, कॉटन टाइप में सेट्स आते हैं। सेट्स चाहिए और साथ में अलग जींस, अलग शर्ट, अलग टी शर्ट चाहिए। इसी तरीके से 32 से 40 नंबर पर जो आपका 9 साल से 15 16 साल तक के बच्चों का होता है, यहाँ पर जींस शर्ट टी शर्ट पार्टी वियर सूट्स वगैरह आपको चाहिए दुकान में। तो यहाँ पर मैंने सेट्स इन्वॉल्व नहीं किए, क्योंकि सेट्स 9 साल के बाद बिकना बंद हो जाते हैं, ज़्यादातर छोटे बच्चों के ही सेट चलते हैं, उसके बाद बच्चा जीन्स शर्ट या टी शर्ट पर आ जाता है या हुडीज पे आ जाता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर अपनी दुकान में वैरायटी रखनी है, माल रखना है। उसके बाद आपको एस नंबर में शर्ट या टी शर्ट अलग से लागत रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर 38 नंबर के बाद एस नंबर स्टार्ट हो जाता है। तो आइए मैं आपको टोटल बता देता हूँ और बता देता हूँ कि आपको दुकान में किस किस तरीके से माल लाना पड़ेगा। आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, वीडियो पसंद ज़रूर आएगी, क्योंकि मैंने इसमें कैलकुलेशन करके आपको टोटल बताया है कि कितना आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सब कुछ मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है साइज, जीन्स, रेट, क्वांटिटी और रुपए। यहाँ पर मैंने दो प्राइस दिए हैं जो आपके आएंगे। 16 से 30 नंबर यानी कि 0 से 8 साल के बच्चे का आपको सेट लाना है कैपरी में और जीन्स में, ज़्यादातर यही आपको बिकते हैं। 200 रुपये से 250 रुपये के बीच में ये आ जाएंगे, इस तरह से सेट आते हैं। 16, 18, 20, 20, 22, 24, 26, 28, 30, इस तरह से सेट आपको मिलेंगे, या फिर 20 से 30 का पूरा आपको सेट मिल सकता है, जिसमें आपको मैं बता देता हूँ कि एक सेट के अंदर यहाँ पर आपको दो दो कलर मिलते हैं, तो 6 पीस बैठते हैं एक सेट के अंदर। तो मैंने यहाँ पर कर दिया 200 गुना 3 इंटू तो इक्वल टू 600 रुपये आ गया, तो 600 600 600 यानी कि 1800 रुपये में ये आपकी आ जाएगी, यदि हम इसमें रेट लगाते हैं 200 का, और यदि 250 का रेट लगाते हैं तो ये आपका बैठ गया 1500 रुपये। और हम इसके लाते हैं 4 सेट, यानी कि जो सेट है उसमें 4 डिज़ाइन लाते हैं, तो 1800 गुना 4 और 1500 गुना 4, तो जो भी इसका टोटल बैठेगा हमने उसका बीच का हिस्सा ले लिया कि 7000 रुपये तक आपको सेट मिल जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं
16 से 30 नंबर की, 0 से 8 साल के बच्चे की जींस की बात, जिसमें सिंपल जींस भी आएगी, डैमेज जींस भी आएगी। पिछले कमेंट में किसी ने पूछा था ये डैमेज जींस क्या होती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। डैमेज का मतलब कटी फटी डिजाइनिंग जींस जो होती है उसे डैमेज जींस बोलते हैं। 150 रुपये से 200 रुपये के बीच में ये आ जाएगी। 16, 18, 20 इस तरह से सेट मिलते हैं। 16, 18, 20 का अलग मिलेगा, 20x24 का अलग मिलेगा, 26, 28, 30 का अलग मिलेगा, या 20 से 30 का भी पूरा सेट आपको मिल जाएगा। मैं इनका टोटल लगा लेता हूँ कि 8 जींस एक सेट में आएगी, यानी कि 16 नंबर से लेकर 30 नंबर तक 8 जींस बैठेगी। 8 × 150 यानी कि 1200 रुपये एक सेट में, और 8 × 200 की यदि हमें पड़ती है तो 1600 रुपये की बैठेगी। इनमें हमें कम से कम 10-10 डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि एक नंबर के हमें 10 पेंट चाहिए। तो 10 डिज़ाइन 1200 × 10 यानी 12000, और 1600 × 10 यानी 16000। तो 150 और 200 रुपये लिख रखा है, तो कोई जींस आपकी 170 की भी आएगी, 160 की भी आएगी, 180 की भी आएगी। तो यहाँ पर मैंने दोनों का रेट जो 12000 और 16000 बैठा, उनके दोनों का बीच का रेट ले लिया 14000 रुपये। 14000 रुपये में आपके 16 से 30 नंबर की जींस आ जाएगी। अब बात कर लेता हूँ मैं 32 से 40 की, 9 से 16 साल के बच्चे की सिंपल और डैमेज जींस की बात। 200 से 300 रुपये के बीच में ये आ जाएगी आपकी। इसमें भी सेट ऐसे ही आते हैं, 32, 34, 36 का आप एक सेट ले सकते हैं जिसमें 6 पीस आएंगे, 38 और 40 का एक सेट ले सकते हैं जिसमें आपके 3 पीस भी मिल जाएंगे और आपके 4 भी मिल जाएंगे और 6 भी मिल जाएंगे, और आपके 32 से 40 का पूरा सेट भी आ जाएगा जिसमें आपके 5 पीस मिलेंगे। तो 5 × 200 1000 रुपये का एक सेट हो गया, और 5 × 300 का रेट लगाते तो 1500 रुपये का हो गया। तो अब हमें इसमें कम से कम 20 सेट चाहिए, यानी 10 सेट सिंपल जींस के चाहिए और 10 सेट हमें डिजाइनिंग जींस के, डैमेज जींस के चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पर 20 सेट लिखे हैं, यानी कि 1000 × 20 यदि 200 रुपये के रेट में पड़ती है तो 20000 रुपये, और 30000 रुपये। इसके बीच में भी जींस आएगी, जैसे 250 रुपये की भी आ जाएगी, 230 की आ जाएगी, 260 की आ जाएगी, 200 की आ जाएगी। तो मैंने इसका बीच का रेट ले लिया, यानी कि 25000 रुपये में आपकी जींस मिल जाएगी। उसके बाद आपको 16 से 30 नंबर यानी कि उनकी शर्ट लानी पड़ेगी जो 0 से 8 साल के बच्चे हैं। सिंपल शर्ट और डिजाइनिंग शर्ट दोनों आ जाएगी, 100 रुपये से लेकर 200 रुपये के बीच में ये आ जाएंगी। 16, 18, 20 ये 3 का भी सेट आता है, 6 का भी सेट आता है, या 20 से 30 नंबर का भी सेट खुला हुआ मिल जाता है आपको। लेकिन ज़्यादातर जो अच्छी क्वालिटी आती है उसमें दो दो पीस, यानी कि एक पैकेट के अंदर, एक बॉक्स के अंदर 6 शर्ट आपको उसमें मिलने वाली है। अरे शर्ट आपकी पड़ेगी 150 रुपये के हिसाब से, मैं इसका बीच का ले लेता हूँ तो 2200 रुपये, और 18 × 200 की यदि हम लाते हैं तो 3600 रुपये। और यहाँ पर मैं 5 सेट लगा लेता हूँ, यानी कि एक सेट में 6 और 5 सेट में आपकी 30 शर्ट आ जाएगी। यहाँ पर 2700 × 5 13500, और 3600 × 5 18000। तो यहाँ पर मैं इसका बीच का ले लेता हूँ कि 16000 रुपये में आपकी ये शर्ट आ जाएगी। अब मैं बात कर लेता हूँ 32 से लेकर 38 तक, क्योंकि इसमें 40 नंबर की शर्ट नहीं आती, फिर एस साइज आना शुरू हो जाता है। तो शर्ट सिंपल और डिजाइनिंग 150 रुपये से 200 रुपये के बीच में आ जाएगी। 32, 34, 36 का सेट अलग आएगा और 38 का सेट एक अलग आएगा। एक सेट में आपकी 6 शर्ट आएगी, तो 150 रुपये वाली की हम यदि लगाते हैं 12, यानी कि 6 सेट इसके, 6 पीस इसके, एक एक सेट, तो 12 यानी कि 1800 रुपये, और 200 वाली में 2400 रुपये। अब हमें कम से कम 5 सेट की ज़रूरत पड़ेगी, 1800 × 5 9000 रुपये, और 2400 × 5 12000 रुपये। अब इसके बीच में भी 150 और 200 के बीच में भी शर्ट आएगी, इस वजह से मैंने इसके दोनों का बीच का रेट ले लिया, 10500 रुपये में आपकी ये शर्ट आ जाएगी। अब मैं बात कर लेता हूँ 16 से 30 साल के बच्चे की टी शर्ट की बात। 100, 150, 200 तक ये टी शर्ट आपको मिल जाएगी, 100 वाली भी मिल जाएगी, 150 वाली भी, 200 वाली भी, और इनके बीच के साइज़ भी मिल जाएगा। जब आप दुकान पर जाओगे तो तब आपको पता चल जाएगा। टी शर्ट का भी वही तरीका है कि आपको 6 पीस का सेट मिलता है, 16, 18, 20 यानी कि 2 16 की 2 18 की 2 20 की, इसी तरह से मिलेंगे। एक पैकेट में 6 पीस आपको मिलेंगे, 6 18, तो 18 × 150 2700 रुपये की, और 18 × 200 3600 रुपये की। हमें कम से कम 5 सेट की ज़रूरत है, यानी कि एक नंबर में हमें तकरीबन 10 टी शर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक नंबर में 2 टी शर्ट एक पैक में आती है, और 5 का मतलब 10 टी शर्ट आपकी एक सेट में हो जाएगी। तो 2700 × 5 13000
₹500 की आपकी ये पड़ गई, और 18 × 236 और 3600 × 5 18,000, इनके बीच का हमने ले लिया, तो ₹15,000 में आपकी टी शर्ट आ जाएगी। अब आपको इससे अलग 16 से 30 नंबर की कैपरी अलग से लानी है, और 32 से 38 या 40 नंबर तक के लोअर आपको अलग से लाने हैं। 16 से 30 नंबर ₹100 से ₹150 तक आपको मिल जाएगी। 16, 18, 20 दो के सेट आएंगे इसमें, तो 18 × 100 1800, 18 × 150 2700, और 150 और 200 के लोअर की हम बात करें 32, 34, 36 और 38 नंबर, तो 1200 × 150 ये बैठ गया आपका 1800, और 1200 × 200 ये बैठ गया आपका ₹2400। तो कैपरी और लोअर आपको इनसे अलग अलग भी कैपरी और लोअर चलते हैं, मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। एक हमारा सेट बैठा था ₹1800 का और ₹2700 का, तो हमने बीच का रेट ले लिया ₹2200, और लोअर का बीच का रेट ले लिया ₹2100। अब हमें तीन तीन सेट लाने हैं कम से कम, तो ₹6600 और ₹6300। टोटल खर्च बैठा आपका 7000, 14000, 25000, 16000, 10500, 15000, 6600, 6300, तो ₹1400 में ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको अंडरवियर, बनियान, हैंकी, कैप और सॉक्स बच्चों की ज़रूरत पड़ती है, ये साथ में यदि आप रखना चाहते हैं, मैं तो कहता हूँ कि रखने चाहिए, क्योंकि ये छोटे छोटे आइटम कस्टमर बनाते हैं। ₹1500 का अंडरवियर आ जाएंगे, ₹1500 के बनियान आ जाएंगे, ₹500 के हैंकी आ जाएंगे, कैप ₹500 की आ जाएगी, सॉक्स ₹500 की आ जाएगी, टोटल ₹4500 आपके बैठते हैं। ग्रांड टोटल की बात करूँ तो 1,04,900 आपके बैठ गए, यानी कि 1,05,000 आपका ग्रांड टोटल बैठ गया। अब यदि हम इसमें लड़कियों के भी कपड़े जोड़ लेते हैं, लड़कियों की जीन्स, लड़कियों के टॉप्स, फ्रॉक्स हम जोड़ लेते हैं, तो ₹50,000 का इन्वेस्ट और आपका होगा, तो इसमें आपका जो टोटल खर्चा हो जाएगा ₹1,55,000 बॉयज़ और गर्ल्स के आपके दोनों के कपड़े इसमें आ जाएगा। ₹1,55,000 में आपकी नई दुकान बच्चों की स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें इतनी वैरायटी होगी कि कस्टमर कभी भी कपड़ों की या वैरायटी को देखने के बाद वापसी नहीं जाएगा। यदि वापसी जाएगा तो वो आपके व्यवहार या आपके रेट ज़्यादा होने के कारण वापसी जाएगा। ये मैंने सब अच्छी क्वालिटी के बताए हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि सर इतना सस्ता कहाँ आता है, तो आप गांधीनगर में जाइए, अच्छी अच्छी दुकानें, अशोक गली में जाइए, वहाँ पर बहुत अच्छी दुकान है, और आपकी श्याम गली पड़ती है वहाँ पर जाइए, बहुत अच्छी दुकान है, वहाँ पर खूब मिल जाती है ये इतने रेट में। और जो मुजफ्फरनगर या मेरठ के आसपास के या यूपी के लोग हैं, मैंने उनके लिए एक वीडियो बनाई थी मुजफ्फरनगर होलसेल मार्केट की, आप वहाँ से ले सकते हैं, यही रेट वहाँ पर पड़ता है। तो दोस्तों 1,55,000 में आप लड़कियों का और लड़कों का, बच्चों का आइटम, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, कैपरी, सॉक्स, रुमाल, बनियान, सब कुछ आप अपनी दुकान में ला सकते हैं। आप 1,50,000 से ये स्टार्ट कर सकते हैं, और फुल वैरायटी मैंने आपको बताई, इसमें कम माल नहीं है, बहुत माल है, पूरी दुकान आपकी भर जाएगी। जो भी कोई कस्टमर आएगा और आपकी दुकान से कुछ भी मांगेगा, तो आपकी दुकान से खाली हाथ नहीं जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और आगे आप क्या देखना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा इसी तरह से आपको समझाऊंगा और आपको आपके बिजनेस बढ़ाने में हेल्प करूंगा। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच।